अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उत्तर कोरिया से विवाद को भारत की मदद से सुलझाया जा सकता है। उत्तर कोरिया में भारत का दूतावास है और दोनों देशों में करीब 71 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार होता है। क्या कोरिया का 64 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा? क्या फिर से उत्तर कोरिया विवाद सुलझाने में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा? Working with the Indian Navy and Air Force and Army in a broad range of areas. So I'm excited by the opportunities that are provided by India. क्या भारत विश्व युद्ध रोकेगा? आपके कुछ मित्र देशों की एम्बेसी वहां रहनी चाहिए ताकि कम से कम कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रहें। सुषमा स्वराज ने ये बातें उस सवाल के जवाब में कही थी जिसमें पूछा गया था कि मौजूदा हालातों में दबाव डालने के लिए उत्तर कोरिया में भारत का दूतावास बंद क्यों नहीं किया जा रहा। सुषमा के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन बैठे हुए थे। टिलरसन को सुषमा का यह सुझाव बेहद पसंद आया। तभी तो जिनेवा में उत्तर कोरिया पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में टिलरसन ने कहा, मुझे लगता है कि दूतावास बंद ना करने के फैसले से भारत ने संकेत दिया है कि वो उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत की भूमिका निभा सकता है। ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बाद भारत ने उत्तर कोरिया से अपना व्यापार बेहद सीमित कर दिया है, लेकिन दूतावास को खोले रखा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को लगता है कि वो अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर सकता है। आपसी संवाद से चीजों को निपटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कम से कम एक देश की एम्बेसी तो ऐसी हो जिसे आप अपना मित्र देश कहते हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी इस बात को बहुत समझदारी से लिया है। उधर अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उत्तर कोरिया विवाद को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। उनका कहना है कि उत्तर कोरियाई नेतृत्व को भारत ये समझा सकता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम से दुनिया के सामने कितना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। And I think India is a net security provider for the Indian Ocean. So we're working very, PACOM is working very closely with the Indian Armed Forces and the United States is working very closely with India writ large. यानी साफ है कि दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने में भारत का एक अहम योगदान हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 1950 से लेकर 1953 तक चले कोरियाई युद्ध को खत्म करने में भी भारत बेहद अहम भूमिका निभा चुका है। जब कोरिया में युद्ध चल रहा था तब भारतीय सेना ने अपनी मेडिकल कोर की एक टुकड़ी भेजी थी। जब चीन युद्ध में कूदा तो उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जरिए अमेरिका तक संदेश भिजवाया। भारत ने ब्रिटेन की मदद से चीन को युद्ध विराम के लिए राजी किया। भारत को युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए बने आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए भारत ने 6000 सैनिकों की इंडियन कस्टोडियल फोर्स की तैनाती कोरिया में की थी। हिंदू चीनी भाई भाई का जो संदेश था और जो अपनापन था वो 1962 में उसको नकारात्मक रूप दिया गया। तो जब उस समय रिश्ते थे तो चाइना को अपने साइड मिला के नॉर्थ कोरिया के वॉर को खत्म करने में हिंदुस्तान का बहुत अहम भूमिका रहा है और ये इस बात को पूरा विश्व जानता है। यही वो वक्त था जब कोरियाई युद्ध में अपनी कामयाब नीति के चलते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विश्व नेता के तौर पर उभरे। और इस बार जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं, भारत एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप के बिगड़े हालातों को सुधार सकता है, विश्व युद्ध होने से रोक सकता है। उत्तर कोरिया और अमेरिका में नौबत युद्ध तक क्यों पहुंची, बता रही हैं नेहा। भारत से उत्तर कोरिया की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। 1910 से लेकर 1945 तक उत्तर और दक्षिण कोरिया एक ही थे और इस पर जापान का कब्जा था। 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो सोवियत रूस ने कोरिया के उत्तरी भाग पर और अमेरिका ने दक्षिणी भाग पर कब्जा कर लिया।
1945 से 1948 आते आते उत्तर और दक्षिण कोरिया में सोवियत और अमेरिकी कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। आखिरकार 1948 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अलग अलग देश बन गए। उत्तर कोरिया में रूस और चीन समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिण कोरिया में अमेरिका समर्थित सरकार बनी। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अमेरिका ने सेना भेजी और उत्तर कोरिया को पीछे खदेड़ दिया। चीन ने इस लड़ाई में उत्तर कोरिया का साथ दिया। 1,00,000 से ज्यादा चीनी सैनिक उत्तर कोरिया भेजे गए। लंबे वक्त तक चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने रही। आखिरकार भारत ने ब्रिटेन की मदद से चीन को 1953 में युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद यह लड़ाई खत्म हुई। इस जंग में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का साथ दिया था, इसीलिए उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग अमेरिका से नफरत करता है और बार बार अमेरिका को तबाह करने की धमकी देता रहता है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।